हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग टेंथ क्लास साइंस की

जैसे कि यूनिसेलुलार में एग्ज़ाम्पल्स होते हैं अमीबा बैक्टीरिया पैरामीशियम प्लाजमोडियम और मल्टी में एग्ज़ाम्पल्स है जैसे ट्रीज़ प्लांट्स प्लान्टूमेंस एनिमल्स डॉग्स तो ये सब में उनके हर एक सेल में ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं और ये प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस सो इसमें जो है पहला न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन करना फूड से फूड से हम न्यूट्रिएंट्स उसको ब्रेक डाउन करके लेते हैं और फिर अपने ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं फिर रेस्पिरेशन में मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड देनिंग एनर्जी फ्रॉम दैट फूड जो हमने लिया था उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं स्टेप वाइज रिएक्शन में और उससे मेनली एनर्जी लेते हैं और ए टी पी प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्राम आर बॉडी एंड देन ट्रांसपोर्टेशन तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर फॉर एक्जाम्पल ऑक्सीजन कार्बन डाईऑक्साइड न्यूट्रिय वेस्ट देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सो ये सारे प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए न्यूट्रिशन से हमें वो अपटेन करते हैं हम एंड इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इंटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ मेन प्रोसेस न्यूट्रिशन में क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड हम फूड जब इंजेस्ट करते हैं एंड देन वी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी एनर्जी मेनली फूड को पहले ब्रेकडाउन किया जाता है सिम्पलर सब्सेंसेज में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है फिर ग्लूकोज से आगे की रिएक्शंस होती है और उसको एनर्जी मतलब कि ए टी पी के फॉर्म में फिर यूज़ किया जाता है मेनली न्यूट्रीशन में ग्लूकोज तक uh, के रिएक्शंस होते हैं फ्रॉम फॉर कन्वर्जन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इंटू ग्लूकोज एंड देन अदर बाइटो न्यूट्रिय और जो बाकी वाइटल न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली न्यूट्रिशन दे आर ऑफ फाइव टाइप्स जो हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था फाइव कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स वाइटमिन एंड मिनरल्स एंड दीज फाइव न्यूट्रिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ दैन न्यूट्रंस आर द दस्टेंसिज विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन न्यूट्रंस आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सिंथिसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस सो न्यूट्रियस हमें फूड से मिलते हैं और हर एक फूड में अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं so, यह भी हो सकता है कि किसी एक फूड में एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट मेजर मिले और बाकी माइनर क्वांटिटीज़ में मिले या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फ़ूड में आ, सारे कंपोनेंट्स हमें मिले जैसे कि मिल्क है और इसलिए छोटे बच्चों को आपको मालूम है कि मिल्क दिया जाता है एंड न्यूट्रंट आर रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वो जो न्यूट्रियस हम ले रहे हैं दे आर बींग यूज इन आर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली हमारा बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए हमारे सेल्स के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो सब हम उसी न्यूट्रिएंट से लेते हैं जो हम खाना खा रहे हैं नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन द जनरल

एंड हेट्रोट्रोफिक में हेट्रोमीन्स डिफरेंट एंड ट्रोफिक मीन्स इट रिलेट्स टू फूड सो जो फूड के लिए जो ऑर्गेजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं दे आर फॉलोइंग हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सम ऑर्गेजम्स यूज सिंपल फूड ऑबटेन फ्राम इन ऑर्गेनिक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड एंड वाटर मेकिंग फूड ऑफ इट्स ओन बाई कार्बन डाईऑक्साइड वटर एंड सन सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस जो ग्रीन प्लान्स में होती है इसलिए यहाँ पे एक्जाम्पल्स में दिया ग्रीन प्लांट्स एल्गे एंड सम बैक्टीरिया बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो हर एक सेल जो ग्रीन कलर का है जो क्लोरोफिल की वजह से होता है ग्रीन पिगमेंट की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड अपने आप बना सकते हैं तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अब दूसरा टाइप जो हैट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसमें एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बिफोर दे आर यूज फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स ह्यूम्स एंड फंग सो इसमें क्या होता है एनिमल्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रोप्स जिससे कि वो अपना ग्रोथ और अपने आ, अपकीप के लिए बॉडी के मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सो so, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं ह्यूमंस आते हैं फंगई आते हैं नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर बींग यूज टू रिएक्ट एंड दे गिव ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन इन द एंड सो so, ये रिएक्शन के लिए हमें सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है जो प्लांट्स में होती है सो so, प्लांट्स में मेनली ग्लूकोज बनता है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट्स जब यूज़ होते हैं प्लांट्स में दे आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट तो प्लांट को भी प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है उसको भी अपने लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो जितना वो ग्लूकोज बना रहा है उसमें से थोड़ा पार्ट वो खुद यूज़ कर रहा है अपने लाइफ प्रोसेस के लिए एंड बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको स्टोर करके रखता है अपने सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो स्टार्च हमें पोटेटो में मिलता है राइस में मिलता है बाकी और फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है जो प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं तो वो स्टार्च है एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो क्योंकि स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हेलिकल पॉलीमर होता है मतलब स्प्रिंग शेप की उसकी स्ट्रक्चर होती है तो स्टार्च एक ग्लूकोज का ही पॉलीमर है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट सेल्स में सेव हो जाता है स्टोर हो जाता है और अगर यही चीज़ हम एनिमल्स में देखेंगे कि एनिमल्स में भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइकोजिन ओके एंड दैट इज़ स्टोर्ड इन द फैट सेल्स इन आर बॉडी देन फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया है इट इज़ द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड देन कन्वर्ट इन टू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो चीज़ें हमें चाहिए प्लान्ट को दैट इज़ कार्बन डाईऑक्साइड जो हवा से वो लेते हैं अंदर एंड वाटर कार्बन uh, डाइऑक्साइड जो है वो उस से एंटर करती है लीफ के थ्रू और स्टेम्स में लेंथी सेल्स होते हैं ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट की बॉडी में एंड देन वाटर जो वो रूट से अब्जॉर्व करते हैं सॉयल से लेते हैं एंड देन ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है इनके रिएक्शन के लिए ज़रूरी है सनलाइट और क्लोरोफिल क्लोरोफिल एक कैटलिस की तरह एक्ट करता है इन दोनों को रिएक्ट कराने में दिस इज अ बायो कैटलिस

सिक्स सी ओ टू सिक्स मोलिक्यूल्स चाहिए हमें सी ओ टू के और ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स चाहिए वाटर के और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में दिस रिएक्ट टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ़ ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं सिक्स यहाँ पर भी कार्बन सिक्स थे दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कोई एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में कितने सी ओ टू लगते हैं दैट इज़ सिक्स सी ओ टू लगते हैं और वाटर के बारह मॉलिक्यूल्स लगते हैं और फिर हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और उसके साथ साथ हमें बाई, बाई प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं दो दो हज़ार ऑक्सीजन के छः मॉलिक्यूल्स और वाटर के छः मॉलिक्यूल्स तो वाटर हमारा यहाँ पे भी था यहाँ पे भी है लेकिन वो आधा पार्ट उसका ग्लूकोज में यूज़ हो गया और बाकी का आधा यहाँ पर हमें मिल गया नेक्स्ट इसमें आता है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस तो तीन रॉ मटेरियल्स बताया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू टोमाटा एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो मेन ग्लूकोज का जो रॉ मटेरियल है दैट इज कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर इट इज़ अब्सॉर्व बाई रूट्स सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन दॉ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन दार्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस तो जो ऑक्सीजन गैस आती है वो आती है वाटर से और जो 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 ग्लूकोज में हाइड्रोजन चाहिए वो भी वाटर से ही आता है दैन सनलाइट इट इज ट्रैप्ड बाई क्लोरफिल तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है फोटो एनर्जी लाइट एनर्जी दट इज ट्रैप्ड बाई क्लोरोफिल क्लोरिफिल का मेन काम है सन की एनर्जी को यूज़ करना और उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटो सिंथेसिस नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कहाँ पर हो रही है ये रिएक्शन हर एक वो ग्रीन सेल जिसके अंदर क्लोरोफिल है वहाँ पर होगी ये रिएक्शन सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनलीज नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल सो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट पिगमेंट्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दे आर स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स डॉट्स जैसे होते हैं तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट्स में मिलता है सारे यूकैरियोट्स uh, uh, में देखेंगे तो और बैक्टीरिया में देखेंगे तो साइनो बैक्टीरिया में होता है क्लोरोफिल होता है सो so, वहाँ पर ये रिएक्शंस होती हैं सो क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कहीं पे भी जहाँ पे भी क्लोरोफिल होगा वहाँ पर ये रिएक्शन होगी सो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ और स्टेम बट ऑल्सो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट स्टेप्स ऑफ फोटोसेंथेसिस देर आर थ्री स्टेप्स इन द प्रोसेस अब्जॉर्ब्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो स्टेप वन तो था लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल स्टेप टू है उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड देन वाटर जो मॉलिक्यूल था वाटर को स्प्लिट करेगा उसको ब्रेक करेगा ताकि हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए अब फिर इसमें हमें फ्री ऑक्सीजन मिलती है जो कि स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है और उसको फिर हम यूज़ करते हैं फॉर आर ओन रेस्पिरेशन देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था हवा से जो लिया है और हाइड्रोजन जो यहाँ वाटर से मिला उसका वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा रिडक्शन रिएक्शंस भी हमने चैप्टर वन में पढ़ा था टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज फिर हमें एंड प्रोडक्ट में ग्लूकोज मिलेगा वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा दी स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली तो जरूरी नहीं कि सारे एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहे हैं और बिना तो कोई टाइम गैप के बीच में टाइम गैप्स आ सकते हैं सम एग्जाम फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाई एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं कि उसमें टोमाटर दिन के समय बंद रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय नहीं लेते वो रात के समय सीओ टू ले लेते हैं तो सीओ टू अब्जॉर्ब करने के बाद दिन में जो लाइट एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब करते हैं फिर वो दिन में वो रिएक्शंस होती हैं तो ये स्टेप जरूरी नहीं कि एक के बाद एक हो सीक्वेंस में या फिर बीच में मतलब टाइम गैप ना हो बीच में टाइम गैप हो सकता है और सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लान्स में होता है जिसमें कि एक इंटरमीडिएट बन जाता है जो दिन में फिर रिएक्शन होती है तो लाइट रियाक्शन जिसको बोलते हैं देन क्वेश्चन आंसर्स है थिंक एंड राइट द आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशियट बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसका आंसर आपको यहाँ इस बॉक्स में मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तो कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो हमेशा पार्टीशन करके बीच में लाइन खींच के आंसर देना चाहिए और साथ में एग्जाम्पल्स जरूर देने चाहिए सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रोफ्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायो केमिकल सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट देयर बायो केमिक राइट इट्स बायो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस इसको एक्सप्लेन करना है तो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड ऑल्सो राइट द बायो केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन थर्ड क्वेश्चन वाट आर द रॉ मेटीरियल्स फॉर फोटो सो रॉ मेटीरियल्स फोटो के लिए यहाँ पर है इसका आंसर तीन रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट इसमें हमने क्लोरोफिल क्यों नहीं लिखा बिकॉज क्लोरोफिल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है वो जैसा था वैसा ही रहता है क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट की जैसे एक्ट करता है वो सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करता है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसलिए वो रॉ मटेरियल में नहीं लिखा जाता हाउ आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस हाउ आर दे हेल्पफुल इसका भी आंसर यहीं पर लिया है सेकेंड कॉलम में आपको इसका आंसर मिल जाएगा उनका क्या रोल है फोर्थ क्वेश्चन वॉट इज द साइट ऑफ फोटो सिंथिस साइट ऑफ फोटोसिथसिसिस क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स द क्लोरोफिल राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटो सिंथिसिस तो दिसज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ फोटो सिंथिस आई होप यह वर्कशीप आपको क्लियर है और अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू